हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में। जैसा आपके सामने है, ड्यूलेक्स टॉप सर्विस लिमिटेड द्वारा आज कंपनी की अनाउंसमेंट की गई है आईपीओ से रिलेटेड। तो आज हम कंपनी की बेसिक डिटेल और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर वीडियो चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये वीडियो है वो पेड प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इस कंपनी में ऐसे आईपीओ इन्वेस्ट करते हो या अप्लाई करते हो तो जो भी कंपनी का बिजनेस है या टर्म एंड कंडीशन है उनको आप चेकआउट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हो किसी अनदर कंपनी में या आईपीओ में इन्वेस्ट करना तो किसी भी आप थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट जो रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज से उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू डाटा जो ये कंपनी है वो 2010 में इस्टेब्लिश हुई। जी हाँ, जिसका मेन काम है या मैन्युफैक्चरिंग है वो है सॉलिड सरफेस मटेरियल बनाना। जी हाँ, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुजरात में है। और सितंबर 2023 तक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो संख्या रही है वो 70 रही है जी। तो इसके दो ब्रांड हैं जी हाँ, लक्सर एंड एप्सिलॉन। जी हाँ, और इसका मेन काम है सॉलिड शीट प्रोवाइड करना अलग अलग सेक्टर के लिए, वो चाहे रेजिडेंशियल के लिए हो, कॉमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, आउटडोर और अन्य थिंग्स के लिए, जैसे होटल के लिए और भी कई तरह की थिंग्स के लिए जी। तो ये आप देख सकते हो और बाकी जो डिटेल है आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं आईपीओ पर। जी हाँ, आईपीओ पर इनकी जो प्राइस रेंज इन्होंने फाइनल की है 65 से 68 की है। जी हाँ, तो 65 रुपये से लेके 68 रुपये तक इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्वांटिटी पे। मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 2000, उस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट हुई 130,000 और मैक्सिमम 136,000। और उसके बाद कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 19 जून से 21 जून तक। टाइमिंग सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। अगर शेयर मिलते हैं तो उनका अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 24 जून तक। ना मिलने पर रिफंड होगा 25 जून तक। शेयर मिलने पर डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 25 जून तक और उनकी लिस्टिंग होगी 26 जून तक। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है। जब भी आप किसी कंपनी में या आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो एक बार आपको जो प्रोस्पेक्टस है जरूर रीड आउट करना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल थिंग्स आपको मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। उसके बाद ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है जी। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हम थिंग्स की बात कर रहे थे तो वो कहाँ कहाँ किस किस तरह में काम आती हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और किन किन सेक्टर में उनका यूज़ किया जाता है जी। तो ये थी बेसिक डिटेल आज के टॉपिक से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं और सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।